देखिए परेशान मत हो बेटा, सब्र और हिम्मत से काम लो। मनसा को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हम लोग, पहले आयान और अब मनसा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं भाई। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह से दुआ करो। मैं रहमान बाबा से इजाजत लेकर आया हूँ और जुमरात को कब्रिस्तान में बैठकर मुझे वसीफा करना है, और तुम देखना अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोलते। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बेटा आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। कब आया? अभी भी आया हूँ। अच्छा, लीजिए पानी पिए। पानी पिए ना। पी क्यों नहीं रहे आप? पानी पिए। पानी पी, पीता नहीं। मिनसा, जो तू करना चाह रहा है ना, नहीं कर सकता। हट जा मेरे रास्ते से, निकल जा। नहीं कर, मत कर, चुप हो जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरी भूखे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं कर, मत कर। अरे बेटा घबराओ नहीं, ये सिर्फ गुस्सा कर सकती है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब क्या हो रहा है? नहीं भाई, मेरी बेटियों पे किसका साया आ गया? या अल्लाह तू रहम फरमा। बेटा सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। बेटा दुआ में बहुत तासीर होती है, और दुआ तो तकदीर को बदल देती है। और तुम सब लोगों को बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। अल्लाह ताला ने तो औरत को साबिर बनाया बेटा। हर वक्त तो दुआएं करती रहती हूँ। नहीं भाई, और कितनी दुआएं करूं मैं? बेटा मायूस नहीं हो, और ये मुसीबत और परेशानी है ना, ये हमारे आमालों की वजह से आती है। और हर इंसान का बेटा किसी ना किसी तौर इम्तहान मकसूद है। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ती रहो। हाँ बेटा आयतल कुर्सी का बिर्द रखो। नहीं मंगल, मिंजा ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मायूसी कुफर है बेटा, इंसान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है। तुम अपनी बहन के लिए दुआ करो। आयान को तो हम खो चुके, कोई और सदमा बर्दाश्त करने की मेरी हिम्मत नहीं है। नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। मिंजा ठीक, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। बेशक वही मददगार है। अम्मी, वैसे सारा इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात हमारे शानी को पसंद है। अरे उसे पसंद ना भी होती तो मैं उसे जबरदस्ती हाँ ही करवाती। करोड़ों का जो मामला है, वैसे हमें जहेज के लिए मना कर देना चाहिए ताकि उनका इतमाद हम पे और पुख्ता हो जाए। तुम क्या कहती हो? पागल हो गई हो क्या? तुम तो चुप ही करो, ऐसी बातें करते हैं। क्यों मना करें हम? अरे गरीब भिखारी लोग भी अपनी औलाद को बहुत कुछ देते हैं, और वो तो राज करेगी हमारे घर पर। इकलौता बेटा है मेरा। तुम राज करने दोगी उसे? हाँ क्यों नहीं, जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम नहीं करती तो राज ही करेगी। कहीं उसे अंदाजा हो गया कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं हमारे हाथ से ये मौका ना निकल जाए। हाँ हमें फिर बहुत जल्द कोई ड्रामा करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा? यही कि हमें पैसों की जरूरत आन पड़ी है, और हमारे पास घर बेचने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। अरे ये तो तुम रहने दो,
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। गुड। मुझे बहुत शदीद प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी। ये देखिए खून। पागल हो गई हो, पानी तो है। नहीं खून है। उठाओ ग्लास उठाओ। नहीं दिखा कुछ भी नहीं है, उठाओ ग्लास उठाओ। इसमें कुछ था अभी। पागल हो गई हो, पानी है इसके अंदर। नहीं नहीं कुछ था अभी। कुछ भी नहीं है देखो। अरे मैं तो नहीं पी रही है पानी। अच्छा छोड़ो, तुम फ्रेश हो गया हो। जी बाबा, मैं वो आपकी दी हुई डोरियां लाया था, लेकिन वो तो करीब ही नहीं आने दे रही। उसे अंदाजा हो गया है। तुम एक काम करो, उसके अलावा तमाम लोगों को काली डोरी बांध दो और सबसे कहो पाक और साफ रहें। बाकी मैं यहां से कोशिश करता हूँ। बेहतर बाबा। बाबा वो आज सबसे छोटी बेटी है ना, लड़के वाले इसको देखने आए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मिंसा बाहर नहीं आई, वरना बहुत बुरा हो जाता। वाकई किस्मत थी। अगर आदिल आज का वजीफा पूरा पढ़ लेता तो एक मरला तो पूरा हो जाता। क्या आदिल वजीफा पढ़ रहा था? डर गया और वक्त का भी गलत इंतखाब किया। तुम उसको समझाओ कि ये अनदेखी दुनिया कोई मजाक नहीं है। बहुत मुश्किल और जान जोखों का काम है। अगर वो इसी तरह गलतियां करता रहा तो और मुश्किल में आ जाएगा। मैं उसे समझा दूंगा, बस सिर्फ आप ये बताएं कि अब करना क्या है। एक और मुख्तसर मगर और खतर वजीफा है जो कब्रिस्तान के अंदर पढ़ना है। मैं पढ़ लूंगा। किसी किस्म की कोताही से जान भी जा सकती है। मैं तैयार हूँ। ठीक है, कल तुम मेरे पास आओ। बहुत बेहतर बाबा, फी अमान अल्लाह। क्या कह रहे थे? ज़किया मुझे कब्रिस्तान में चिल्ला काटना होगा। क्या? नहीं 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 भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अकेले कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। ज़किया कुछ ना कुछ तो करना है ना, तुम मिंसा की हालत देख रही हो। लेकिन नहीं भाई, ये बहुत खतरे वाली बात है। और जो खतरा घर में सरों पर मंडला रहा है, आज आदिल ने कोशिश की थी बाबा का बताया हुआ वजीफा पढ़ने की, लेकिन वो डर गया। आदिल वजीफा क्यों पढ़ रहा है? अगर आपा को पता चल गया ना तो वो तो तूफान मचा देंगे। कुछ नहीं होगा ज़किया, तुम अभी अपना घर और बेटी के बारे में सोचो। एक बेटी तो खो चुके हैं, मजीद सदमे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। ज़किया मैं कल रहमान बाबा के पास जा रहा हूँ, देखते हैं वो क्या मशवरा देते हैं। शाजिया तुम अब तो डर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। अच्छा सुनो, तुम्हें नींद आ रही है? नहीं। चाय की तरफ हो रही है? नहीं, रात में। मुझे कौन सा ऑफिस जाना है। हाँ दिल तो चाह रहा है। अच्छा ठीक है, दो कप चाय बना लो। अच्छा अच्छा मैं साथ चलूं? नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। यार आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मुझे इस कदर खुशी हो रही है।
क्या तुम्हें भी खुशी हो रही है? हाँ। शर्मा क्यों रही हो? अब मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। कौन सारा बिजी? लेकिन हमारी मंगनी तो नहीं हुई अभी। तो हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? घूमने, खाने पे। नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। लगता तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरे साथ चलो, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन से खाने पसंद है? पिज्जा अच्छा लगता है? हाँ, खा लेती हूँ। मेरे फ्रेंड ने पिज्जा फूड खोला है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वहीं चलेंगे। देखूंगी, लेकिन कोई वादा नहीं करती। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। कोई और है? नहीं, लेकिन कोई आ भी सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सारा मुझे खुल के बताओ, बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। डरा दिया मुझे। चाय चाहिए होगी? रुको, देती हूँ मैं भी। अच्छा सुन, शानी बेटा अपने अब्बू को यहीं बुला लाओ और तुम अपनी चाय भी उठा लो। मेरी चाय क्यों बनाई है आपने? तुम्हारा भी जवाब नहीं है। क्यों? तुम ही ने तो कहा था कि चाय पीनी है। मैंने कब बोला था आपसे चाय का? आपकी भी कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं आप क्या सुनती हैं। वाह भाई, मजा आ गया, बड़ी तलब हो रही थी। चाय? चाय कहाँ गई? ये रही? नहीं नहीं, एक और कप था शानी का। ये क्या होगा? तुम छोड़ो उसे, कल जकिया को दोपहर में तुम फोन करके पूछ लेना। थोड़ा सब्र तो कर लो, तुम भी ना हथेली पे सरसों जमाते हो। मैं कर लूंगी उससे बात। अभी तो तुम कह रहे थे चाय नहीं पीनी, अब पी रहे हो। क्या हुआ? कभी कहता है पीनी है, कभी मना कर देता है। अच्छा चलो, पी ली है ना उसे, जाओ बेटा। मुझे इस तरह क्यों देखता हुआ गया? अब ये ना कहना कि शानी नहीं था। तुम्हें क्या हो रहा है शाजिया? चाहे तो सुकून से पीने दो। दरवाजा खोलो। फरहान, फरहान,
या अल्लाह या मेरे परवरदिगार, तुझे अपनी रहमत का वास्ता, अपनी रहमत के सदके मेरे घर जो भी असरा, जो भी बद नजर है उसको दूर फरमा दे अल्लाह। हमें इस मुसीबत से निजात फरमा, हमें इस मुसीबत से निजात, या अल्लाह सुन ले मेरी मुराद, सुन ले, सुन ले मौला, सुन ले, मुझ पे रहम फरमा दे मेरे मां, मेरे घर पे रहम फरमा दे, मेरे बच्चों पे रहम फरमा दे। ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन भी हो जाता है। जी मैं समझता हूँ। जान भी जा सकती है। मुझे अंदाज़ा है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई, ये बच्चे मेरी औलाद जैसे हैं, अगर मुझे इनके लिए जान से भी गुजरना पड़े ना तो मुझे कोई डर कोई अफसोस नहीं है। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, उसके बंदों के साथ मुखलिसी पे वो मदद भी करता है और आसमान से भी रहमत होती है। खल्क़े खुदा से बड़ी नेकी कोई भी नहीं है। तुम अपने बच्चों की मदद कर रहे हो, खुदा तुम्हारी मदद करने वाला है इंशाल्लाह। बाबा ये वजीफा किस दिन करना है? दिन नहीं रात, स्याह काली रात। इस वजीफे के बाद तुम इस आसे पर काबू पा सकते हो इंशाल्लाह। मगर नहीं, याद रखो कि ज़रा सी भी घबराहट मुसीबत डाल सकती है। ये अमल मैं हर एक को नहीं बताता, तुम लोग क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो मैंने तुमको ये बताया। मैं कर लूँगा बाबा, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वजीफे पे बैठने से पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे हाज़िरी देना, सदका देना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम कब्रिस्तान के माहौल से तो वाकिफ हो? बिल्कुल, ये अमल मैं पहले कर चुका हूँ। बहुत खूब, ये तुम्हारी बहादुरी और शुजात का इम्तिहान है। जी बाबा। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दिखाया है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो जवाब लेने आई थी। मैं सच बताऊँ शाजिया, अभी तक हमने सोचा नहीं है इस बारे में। चलो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। क्या हुआ शाजिया, क्या हुआ शाजिया? सखिया तुम्हारे घर पर कोई असर है? असर नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई असर वसर नहीं है, ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें। पता नहीं जब से मैं सारा और शानी के रिश्ते की बात कर रही हूँ मेरे साथ कुछ अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम वहम दिल में मत डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। मुझे भी दो ना। हाँ। Thank you.
तेरे तो सारे के साथ हो रहा है, हैरत है यार। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? क्या मेरी शादी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन शानी देख ले, उस घर में गड़बड़ है। तुझे ऐसा लगता है कि उस घर में असर है? नहीं, उस घर की लड़कियों पर असर है। चल आज रात मैं सारा को बाहर बुलाऊंगा, अगर उस पर असर है तो वो चुड़ैल बन के मुझे मार देगी। अबे पागल हो गया है क्या? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अरे यार वो मेरी मंगेतर है। तू पहले कभी मिला है सारा से? अकेले में? नहीं अकेले में तो नहीं मिला। तो मत मिल। क्यों यार, तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया, जल रहे हो मुझसे। शानी मुझे सच सच बताओ, अगर बात क्या क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, नहीं। खुदा के वास्ते अब तो सच बोल दो। इस घर में जो वाकयात हो रहे हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नहीं भाई, लेकिन इस घर में जो आसेब है उससे मेरा रिश्ता जरूर है। कैसा रिश्ता है? घर में मेरे और जकिया की शादी की बात चल रही थी। मैंने बहुत इनकार करना चाहा, लेकिन डैडी ने मेरी एक नहीं सुनी। वो चाहते थे कि जकिया से मेरी शादी हो जाए और मैं सूफिया से शादी करना चाहता था। तुम सूफिया से मोहब्बत करते थे? हाँ नहीं भाई, सूफिया से शादी करना चाहता था। फिर क्या हुआ? एक दिन सूफिया, मैं डैडी को समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फरहान तुम चाहो तो मैनेज कर सकती हो, मुझसे चुप कर निकाह कर लो, एटलीस्ट मेरे होने वाले बच्चे तुम्हारे नाम तो मिल जाए। क्या? हाँ ये सच। लेकिन सूफिया प्लीज फरहान अब कुछ मत कहो, अपने होने वाली औलाद को अपना नाम दे दो प्लीज। कुछ तो करना होगा सूफिया। लो ये फ्रेश जूस है, ये पियो। तो क्या सोचा तुमने? सोच तो लिया, लेकिन ये मेरा फैसला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है आज सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं सोफिया, मैं मत करूं।